हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद, आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास के एक अन्य टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। और पिछले टॉपिक के अंतर्गत हम देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर उसको खोल करके देखने की कोशिश की थी, या अलग अलग बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास किया था। जैसे उसकी खोज किसने की, उसका काल निर्धारण क्या है, उसका उद्भव कैसे होता है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता क्या हैं, कौन है, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा था कि इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और जो अन्य टॉपिक जो बचे हुए हैं उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल और इस सभ्यता का पतन किस प्रकार से होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और पतन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। और मुख्य बिंदु है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल। ठीक है, जो मुख्य स्थल हैं वहाँ से यूपीएससी, पीसीएस परीक्षाओं और अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता क्वेश्चन के तौर पे देखें, तो जैसे हड़प्पा सभ्यता के प्रथम स्थल की खोज या प्रथम किस स्थल की खोज हुई, किस स्थल की खोज हुई, या फिर जैसे लोथल किस राज्य में है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन, या जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर जैसे भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर आगे देखें तो जैसे मान लीजिए कि श्रृंगार प्रसादन की सामग्री कहाँ से मिली है, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, स्नानागार कहाँ मिला है, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर बंदरगाह या गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इस तरह के क्वेश्चन,
यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जो इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और वो खास करके जो प्रीलिम्स की एग्जाम होती हैं उसमें बड़े आसानी से पूछे जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी समझ इनके बारे में रखते हैं या कुछ तथ्यात्मक इनके बारे में जानकारी रखते हैं तो उन प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मुख्य स्थल, हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल, और इन स्थलों के बारे में हम इनको अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए स्थल, इसकी स्थिति क्या है, यानी किस राज्य में या किस देश में स्थित है, किस नदी के किनारे है, उसको देखेंगे। खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता कौन है, कब उस स्थल की खोज हो रही है, उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ से हमें प्राप्तियाँ क्या क्या हो रही हैं, यानी क्या मिल रहा है वहाँ पर, या उस स्थल के मुख्य बिंदु क्या क्या है, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्थल है उसका नाम देखेंगे, फिर उसकी जो स्थिति है, उसका लोकेशन है, उसको देखेंगे, उसकी खोज कौन कर रहा है उसको देखेंगे, और अंत में उस स्थल से हमें क्या मिल रहा है या उस स्थल से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लगभग 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। ठीक है, जिसमें 950 यानी 950 के लगभग या उससे थोड़े ज़्यादा भारत में मिले हैं, और बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है उससे मिले हैं। ठीक है, तो जो मुख्य मुख्य स्थल हैं जिनको नगरों की संख्या दी गई है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं और वहाँ से क्या क्या मिल रहा है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे जिस स्थल की सबसे पहले खुदाई हो रही है वो है हड़प्पा। ठीक है, इसकी स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये अभी का जो पाकिस्तान है उसके अंतर्गत जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे स्थित था, और पाकिस्तान का एक जिला है माउंट मोगरी, में ये अभी वर्तमान में है। यानी अगर हड़प्पा जो स्थल पाकिस्तान में मिला है उसके बारे में, उसकी स्थिति के बारे में देखा जाए तो रावी नदी के तट के ऊपर जो पाकिस्तान का माउंट मोगरी जिला है, पंजाब प्रांत, यानी अभी का जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसमें इसकी स्थिति है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर इस स्थल के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस स्थल को खोजा। ठीक है, समय है 1921 का, और उस समय जो पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं वो हैं सर जॉन मार्शल, और इस स्थल की खोज कौन कर रहे हैं, दयाराम साहनी। ठीक है, अब जो इस स्थल से प्राप्तियां हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें यहां से मिल रही हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यहां क्या है, एक अन्नागार मिला है, यहां पर हमें एक अन्नागार मिलता है, अन्न कूटने हेतु यहाँ पर चबूतरे बने हुए हैं, एक तो विशाल यानी बड़े टाइप का अन्नागार मिला है जिसमें अन्न को सुरक्षित रखा जाता था, फिर कुछ बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में वहाँ पर अन्न को कूटने के लिए
अलग अलग जगह के ऊपर चबूतरे टाइप के मिले हैं जहाँ लोग अन्न को कूट करके या फिर फसल को निकालने का काम करते थे। अब अगर बात करें तो यहाँ पर श्रमिक आवास मिला है, यहाँ पर हमें श्रमिक आवास मिला है, एक कांस्य की मूर्ति मिली है यहाँ पर, ठीक है, और एक यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है जिसको नाम दिया गया है R37, और एक दूसरा और कब्रिस्तान यहाँ पर मिला है जिसको नाम दिया गया है कब्रिस्तान H। तो इस तरीके से हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल या जो सबसे पहले खोजा गया स्थल है उसके बारे में, और उसके बारे में हमने अलग अलग बिंदुओं के आधार पर देखने की कोशिश की। जैसे दोबारा से देखते हैं इसको कि जो स्थल है उसका नाम है हड़प्पा, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान के, अभी का जो पाकिस्तान है उसमें रावी नदी के किनारे स्थित था, बाएं तट पे है ये, रावी नदी के बाएं तट पर मोंटमोगरी जिला, यानी पाकिस्तान का जो मोंटमोगरी जिला है उसके अंतर्गत पंजाब प्रांत में, ठीक है, पंजाब प्रांत में इसकी स्थिति है। स्थिति के बारे में हमने देखा पाकिस्तान के मोंटमोगरी जिले में, जो पंजाब प्रांत का मोंटमोगरी जिला है उसमें रावी नदी के बाएं तट पर इसकी स्थिति है। अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें तो 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम सानी ने इस स्थल की खोज की थी, ठीक है, और अब यहाँ से जो प्राप्तियाँ हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें या क्या सामग्री हमें यहाँ से मिली है उसके बारे में देखते हैं। तो प्राप्तियों की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर एक अन्नागार मिला है, अन्न कूटने के चबूतरे यहाँ देखने को मिले हैं, श्रमिक आवास मिला है, कांसे की मूर्ति मिली है, कब्रिस्तान मिले हैं दो जिनके नाम हैं, एक का R37 और दूसरे का कब्रिस्तान H। तो ये थी हमारी हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा के बारे में जानकारी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो अगला स्थल है उसके बारे में। अगले स्थल की बात करें तो हमारा अगला स्थल है मोहन जोदड़ो। अगर मोहन जोदड़ो की बात करें तो सबसे पहले हम इसके खोजकर्ता की बात करते हैं, इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ठीक है, और अगर इसके खोजकर्ता के बारे में बात की जाए तो इस स्थल के खोजकर्ता हैं राखल दास बनर्जी, और इन्होंने 1922 में इस स्थल की खोज की थी, और इस समय भी जो निर्देशक हैं वो हैं सर जॉन मार्शल, ठीक है। हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। स्थिति के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और खोजकर्ता की बात करें तो राखल दास बनर्जी ने इस स्थल की खोज की 1922 में, और उस समय निर्देशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। अब यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हो रही हैं उसके बारे में देखें तो यहाँ पर क्या है,
एक तो विशाल अन्नागार मिला है, एक विशाल स्नानागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है। यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित की मूर्ति, पुरोहित की मूर्ति मिली है यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है, एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है, महाविद्यालय मिला है यहाँ पर, और एक यहाँ पर पशुपति शिव, पशुपति शिव की आकृति मिली है। ठीक है, और एक इतिहासकार हैं पीगट महोदय, इन्होंने मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, तो हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो, उसके बारे में देखा, और दोबारा से इस चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। जैसे स्थल है मोहनजोदड़ो, अगर इसकी स्थिति के बारे में बात किया जाए तो ये सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर, दाहिने तट पर स्थित है। और खोजकर्ता के बारे में बात करें तो राखल दास बनर्जी ने इस स्थल की 1922 में खोज की। निर्देशक के बारे में बात करें तो इस समय निर्देशक हैं सर जॉन मार्शल, जो हड़प्पा के समय भी थे। अगर यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हुई हैं या जो सामग्री हमें मिली है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें विशाल अन्नागार मिला है, जिसको सबसे बड़ा स्थल कहा गया है। व्हीलर महोदय ने जो विशाल अन्नागार मिला है इसको हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है, महाविद्यालय मिला है, और पशुपति शिव की आकृति हमें यहाँ पर मिली है। ठीक है, और पीगट महोदय ने इस स्थल को, यानी मोहनजोदड़ो को और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानी कहा है। तो इस तरीके से हमने इस स्थल को समझने का प्रयास किया। अब देखते हैं अगले स्थल के बारे में। अगला जो स्थल है वो है लोथल, स्थल है लोथल। अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो एक नदी है भोगवा नदी, और ये नदी है अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता है एस आर राव ने 1954 में इस स्थल को खोजा था। ठीक है, स्थल है लोथल, स्थिति है उसकी अहमदाबाद के पास में, एक नदी है भोगवा, और ये गुजरात में है। खोजकर्ता के बारे में अगर बात करें तो एस आर राव ने 1954 में लोथल नामक स्थल की खोज की थी। अब अगर यहाँ पे जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो प्राप्तियाँ हमें हुई हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर एक हमें गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा से मतलब ये है बंदरगाह। तो बंदरगाह गोदीबाड़ा की बात करें तो यहाँ से हमें लोथल से प्राप्ति हो रही है,
और अगर बात करें तो यहां पर हमें अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। अग्नि वेदिकाओं से तात्पर्य है कि एक चबूतरे टाइप के स्थल के ऊपर यज्ञ टाइप का, जैसे हवन टाइप का जो हम करते हैं, वैसी आकृतियां हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। अग्नि जला करके जो हवन वगैरह करते हैं, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिला है। और अगर बात करें तो यहाँ पर घोड़े की आकृतियां देखने को मिली हैं, यानी जो घोड़े की मर्ण मूर्ति होती है वो हमें यहाँ पर मिली है। और यहाँ से हमें रंगाई कुंड मिला है, यानी कपड़े वगैरह जो रंगते हैं वो कुंड जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था, जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी अगर हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए कालीबंगा है, तो वहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है जल प्रबंधन की, या जो जल निकास प्रणाली है वो व्यवस्थित नहीं देखने को मिलती। लेकिन यहां पर लोथल में हमें जल प्रबंधन या जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही उचित प्रकार की या व्यवस्थित ढंग की देखने को मिलती है। और एक यहां पर हमें मनका बनाने की फैक्ट्री मिलती है। ठीक है, तो हमने लोथल के बारे में देखा। लोथल के बारे में हमने यहाँ पर जो इसके मुख्य बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए इसकी स्थिति है, उसके बारे में देखा। तो स्थिति के अंतर्गत देखा हमने कि भोगवा नदी जो अहमदाबाद में है, गुजरात के अंतर्गत ये स्थित था। एसआर राव ने इस स्थल को खोजा 1954 में, और यहाँ से जो प्राप्तियाँ हो रही हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर गोदीबाड़ा मिल रहा है, यानी बंदरगाह हमें यहाँ से मिल रहा है। अग्नि वेदिकाएँ मिल रही हैं यहाँ पर हमें, घोड़े की आकृति या मृण मूर्ति यहाँ से हमें मिली है, रंगाई कुंड हमें यहाँ से मिला है, जल प्रबंधन की यहाँ पर उचित व्यवस्था देखने को मिलती है, और मनका बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर हमें मिलती है, या यहाँ पर मनका बनाने की फैक्ट्री थी वो उस समय रही होगी, ऐसे अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब जो अगला स्थल है उसके बारे में देखते हैं। अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा। इसकी सबसे पहले हम स्थिति के बारे में देखते हैं, फिर इसके जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में देखते हैं, और बाद में जो यहाँ से हमें प्राप्तियाँ हो रही हैं उसके बारे में देखते हैं। तो अगर कालीबंगा की बात करें तो जो कालीबंगा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, स्थिति की बात करें तो ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में इसकी स्थिति है। यानी कालीबंगा, इसका हमने देखा शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, इसकी जो स्थिति है वो घग्गर नदी के पास में जो हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के अंतर्गत, इसकी स्थिति है। खोजकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष ने 1951 में इस स्थल को खोजा था। अमलानंद घोष जिन्होंने 1951 में इस स्थल को खोजा है। अब अगर प्राप्तियों की बात करें, जो चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही हैं, तो प्राप्तियों के अंतर्गत सबसे पहले तो जो काले रंग की चूड़ियाँ हैं वो हमें यहाँ से मिल रही हैं, काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से हमें मिली हैं। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं।
अग्नि वेदिकाएं यहां से हमें मिली हैं, भूकंप का साक्ष्य यहां से मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है हमें यहां से। यहां पर जो मकान है कच्ची ईंटों के बने हुए थे, मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं, और जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है, उचित व्यवस्था का अभाव। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहां से मिल रही हैं। दोबारा देखते हैं, स्थल का नाम है कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के अंदर स्थित है, और अगर खोजकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष ने 1951 में इस स्थल को खोजा था। अब अगर यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ी मिल रही है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं, और जो जुते हुए खेत हैं उसमें हमें जो खेत की जुताई है वो आड़े और तिरछे, यानी इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस लाइन में उन्होंने गेहूँ बो दिया और इस लाइन में उन्होंने चना बो दिया, तो एक साइड में उन्होंने गेहूं बो रखा है, एक साइड में जैसे चना बो रखा है, तो आड़े तिरछे जो जुताई है उसके साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अग्निवेदिकाएं हमें यहाँ पर मिल रही हैं। इससे पहले अग्निवेदिकाएं हमें कहाँ पर मिल रही थी, लोथल के अंतर्गत, तो दो जगह हमें अग्निवेदिकाएं मिल रही हैं। भूकंप का साक्ष्य हमें यहाँ से मिल रहा है, यानी जैसे प्राचीनतम साक्ष्यों की अगर बात करें तो भूकंप का साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा स्थल से हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो मकान हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, ठीक है, और जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है। जैसे अभी हमने देखा कि जो लोथल है वहाँ पर जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे ढंग की है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कालीबंगा है वहाँ पर हमें जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, अब अगर बात करें हम अगले स्थल के बारे में तो अगला स्थल है चन्हूदड़ो। स्थल का नाम है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो, इसकी स्थिति के बारे में अगर देखें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये इसकी स्थिति है। और अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें, जो चन्हूदड़ो के खोजकर्ता हैं उनके बारे में, तो इस स्थल की जो खोज की थी वो मजूमदार और अर्नेस्ट मैके दो व्यक्ति हैं, उन्होंने 1931 के अंदर इस स्थल की खोज की है। तो बात करते हैं खोजकर्ता के बारे में, 1931 में एमजी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने इस स्थल की खोज की। अब बात करते हैं यहाँ से जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं वो है श्रृंगार प्रसादन से संबंधित चीज़ें। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से जो चीज़ें प्राप्तियाँ हुई हैं उनके बारे में। एक तो यहाँ पर मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है, श्रृंगार प्रसादन
की सामग्री यहाँ से मिली है, जिसके अंतर्गत यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्त्रा आदि चीज़ें मिली हैं। ठीक है, अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से श्रृंगार प्रसादन की चीज़ें मिली हैं, तो वो कौन सा है? चनूदड़ो। और वहाँ से हमें मिला है लिपस्टिक, काजल, उस्त्रा, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और एक यहाँ से कांसे की बैलगाड़ी मिली है, कांसे की बैलगाड़ी यहाँ से मिली है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, यानी कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा कर रहा है, उसके निशान यहाँ से यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कुत्ते के निशान। तो ये महत्वपूर्ण सामग्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, बात कर रहे थे हम चनूदड़ो के बारे में, और चनूदड़ो के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर हमें प्राप्तियों की अगर बात करें तो मनका बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे मिल रही है। इससे पहले हमने देखा था लोथल के अंदर हमें मनका बनाने की फैक्ट्री मिल रही है। श्रृंगार प्रसादन की सामग्री यहाँ से मिल रही है, जो बार बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थल है जहाँ से श्रृंगार प्रसादन की सामग्री मिली है, तो वो चनूदड़ो है। और यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्त्रा आदि यहाँ से मिल रहे हैं। कांसे की बैलगाड़ी, इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कांसे की बैलगाड़ी कहाँ से मिली है। ठीक है, एक और स्थल है दायमाबाद, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, वहाँ भी एक बैलगाड़ी मिली है जिसको एक नग्न आरती चला रही है, दो बैल जुते हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो बैलगाड़ी है ये कांसे की बनी हुई है, और जो चनूदड़ो में मिली है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान, यानी कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, ऐसा साक्ष्य देखने को मिलता है। और एक यहाँ पर लकड़ी की पाइप नुमा नाली के साक्ष्य मिले हैं, यानी लकड़ी की पाइप नुमा नालियां बनी हुई हैं जो जल निकास प्रणाली के लिए या जल प्रबंधन के लिए काम में प्रयोग में ली जाती होंगी, ऐसे साक्ष्य भी हमें चनूदड़ो के बारे में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चनूदड़ो था, स्थिति हमने देखी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोजकर्ता हैं इसके एमजी मजमूदार और बाद में अर्नेस्ट मैके ने किया 1931 के अंदर, और प्राप्तियों के अंतर्गत हमने इन अलग अलग चीज़ों को देखा। अब जो अगला स्थल है उसके बारे में हम बात करते हैं, और अगला स्थल है बनवाली। अगर इसकी बात करें स्थिति की, तो ये हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, स्थल का नाम है बनवाली, और स्थिति के बारे में हमने देखा कि ये हरियाणा के हिसार जिले में जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी उसके किनारे पर इसकी स्थिति है। अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें तो 1974 में R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल को खोजा, और अगर यहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में बात करें तो तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक तो हमें यहाँ पर अग्निवेदिकाएँ देखने को मिल रही हैं, एक बढ़िया
किस्म का जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बढ़िया किस्म का जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, और एक चीज़ जो है वो है मिट्टी का हल। यहाँ पर हमें मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल देखने को मिला है। तो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। अगर बात करें स्थल की तो नाम है उसका बनवाली। अगर इसकी स्थिति की बात करें तो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे इसकी स्थिति है। और इसके खोजकर्ता की बात करें तो 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल को खोजा था। और यहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके अंतर्गत हमें यहाँ पर अग्निवेदिकाएँ मिल रही हैं। अग्निवेदिकाएँ दो स्थलों से और मिल चुकी हैं, जो हैं एक तो कालीबंगा और दूसरा है लोथल। यानी तीन स्थल हो गए जहाँ से हमें अग्निवेदिकाएँ मिल रही हैं। यहाँ से हमें बढ़िया किस्म का जौ मिला है और यहाँ हमें मिट्टी का हल मिला है। तो इन चीज़ों के बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला, बढ़िया किस्म का जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, या अग्निवेदिकाएँ कहाँ कहाँ से मिली हैं। तो जैसे तीन स्थल हैं, कालीबंगा, लोथल और बनवाली, यहाँ से हमें अग्निवेदिकाएँ देखने को मिल रही हैं। तो एग्जामिनर क्या करेगा, इन तीन स्थलों को दे देगा या इनमें से एक को नहीं देगा, उसकी जगह दूसरा स्थल दे देगा। तो इन चीज़ों तीनों को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अगला जो स्थल है उसके बारे में हम देखते हैं, और स्थल है हमारा धोलावीरा। स्थल का नाम है धोलावीरा। इस धोलावीरा का मतलब होता है, यहाँ धोला का अर्थ है सफ़ेद और वीरा का मतलब है कुआं, यानी सफ़ेद कुआं। अगर इसकी स्थिति की बात करें, जो धोलावीरा स्थल है उसकी स्थिति की बात करें, तो ये स्थल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, ठीक है। और अगर इस स्थल के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो इतिहासकार हैं पुरातत्वविद जेपी जोशी। तो जेपी जोशी ने 1967 और 68 में इस स्थल को खोजा था, ठीक है। अब यहाँ से यानी धोलावीरा से जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ घोड़े के अवशेष, जो पहले हमने देखा था कि लोथल से भी हमें घोड़े के बारे में या घोड़े की मणमूर्ति हमें देखने को मिल रही है। अब दूसरा जो स्थल है जहाँ से घोड़े के बारे में साक्ष्य मिल रहे हैं वो है धोलावीरा, ठीक है। अगला जो सामग्री हमें मिली है वो है यहाँ पर प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड। यानी यहाँ पर जो एक ऐसी आकृति मिली है या ऐसा साइन बोर्ड टाइप का मिला है जो प्रवेश द्वार पर लगा हुआ है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस चीज़ को हम पढ़ नहीं पाए हैं, जो मतलब कुछ ना कुछ संकेत देता होगा या किसी चीज़ की दिशा के बारे में जानकारी देता होगा। एक यहाँ पर पशु की छोटी कांस्य की आकृति मिली है, कांस्य की आकृति हमें यहाँ पर मिली है। एक नेवले की छोटी आकृति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, या जो पत्थर की मूर्ति टाइप में है, वो पत्थर की मूर्ति टाइप में पत्थर से बनी हुई है जो नेवले की आकृति है वो। और एक यहाँ पर स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल जिसको हम कह सकते हैं, क्रीड़ा स्थल एकमात्र यहीं से देखने को मिलता है। एक यहाँ पर हमें कब्रिस्तान भी मिला है।
तो इतनी सामग्री हमें धोलावीरा से प्राप्त हो रही है। दोबारा से समझते हैं, स्थल का नाम है धोलावीरा और इसका शाब्दिक अर्थ होता है, धोला का मतलब सफ़ेद और वीरा का मतलब कुआ। स्थिति की अगर बात करें तो ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, और अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें तो 1967-68 में जेपी जोशी ने इस स्थल को यानी धोलावीरा को खोजा था। अब जो चीज़ें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ से घोड़े के अवशेष हमें मिल रहे हैं, घोड़े के अवशेष हमें लोथल से भी प्राप्त हो रहे हैं, और एक स्थल और है सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा से भी हमें घोड़े के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रवेश द्वार पर हमें यहाँ पर साइन बोर्ड देखने को मिलता है, पशु की छोटी कांसे की आकृति हमें यहाँ पर मिल रही है, नेवले की आकृति या पत्थर की मूर्ति टाइप में यहाँ पर नेवले की आकृति हमें मिल रही है। स्टेडियम, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर स्टेडियम के या क्रीड़ा स्थल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो वो कौन सा स्थल है, धोलावीरा। और एक यहाँ पर हमें कब्रिस्तान मिला है, और एक महत्वपूर्ण और जानकारी है कि जो धोलावीरा स्थल है वो तीन भागों में बटा हुआ था। ठीक है, हमने पहले विशेषताओं के अंतर्गत बात की थी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके ज़्यादातर जो स्थल हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक अकेला धोलावीरा स्थल है एकमात्र जो तीन भागों में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये उच्च स्थल हो गया, ये मध्य हो गया, और ये निम्न वाला हो गया, तो तीन भागों में इसका विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम अगले स्थल के बारे में बात करते हैं, और अगला स्थल है हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की अगर बात करें राखीगढ़ी, सबसे पहले हम इस स्थल की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो इस स्थल की स्थिति है हरियाणा के हिसार जिले में गग्गर नदी के किनारे ये स्थल बसा हुआ था। ठीक है, अब अगर इस स्थल के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो एक पुरातत्वविद हैं सूरज भान, इन्होंने 1969 में इस स्थल को खोजा था। ठीक है, और इस स्थल में के बारे में जो जानकारी मिलती है या यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ से हमें कुछ ताम्र उपकरण मिले हैं, और ये स्थल भारत का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, दोबारा से समझते हैं, स्थल का नाम है राखीगढ़ी, अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये हरियाणा के हिसार जिले में गग्गर नदी के तट पर या गग्गर नदी के किनारे के ऊपर स्थित था। इसके खोजकर्ता के बारे में बात करें तो पुरातत्वविद सूरज भान ने 1969 में इस स्थल को खोजा सूरज भान ने, और यहाँ से जो सामग्री मिल रही है वो है एक तो ताम्र उपकरण, और ये स्थल भारत में जो स्थल पाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है धोलावीरा। और अगर सभी स्थलों में बात करें तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, और भारत में है ये राखीगढ़ी। तो ये तो थी राखीगढ़ी के बारे में जानकारी, अब हम देखते हैं जो अगला स्थल है उसके बारे में, और स्थल है हमारा सुतका गेंडोर। अगर सुतका गेंडोर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं। स्थिति की बात करें तो ये
एक नदी है दास्क नदी, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर स्थित है, ठीक है। खोजकर्ता की बात करें तो 1927 में अर्लस्टाइन, 1927 में अर्लस्टाइन नामक पुरातत्वविद ने इस स्थल को खोजा था। अब यहाँ पर जो सामग्री हमें मिल रही है उसके बारे में देखते हैं, तो सुतकागंडोर की अगर बात करें तो यहाँ से हमें कोई विशेष सामग्री नहीं मिल रही है। महत्वपूर्ण बात इस स्थल की यह है कि ये एक बंदरगाह नगर था, जहाँ से जो मेसोपोटामिया है या अन्य जो स्थल हैं मध्य एशिया के, जहाँ से सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे उनसे ये जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से जो सुतकागंडोर है उसकी उसके बारे में हमने देखा। दोबारा से देखते हैं सुतकागंडोर के बारे में, अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये दास्क नदी बलूचिस्तान में स्थित है जो पाकिस्तान में है। 1927 में अर्लस्टाइन नामक पुरातत्वविद ने इसकी खोज की और ये क्या है, एक बंदरगाह नगर है। अब हम देखते हैं जो अगला स्थल है उसके बारे में, और स्थल का नाम है कोट दीजी, स्थल का नाम है कोट दीजी। अगर इसकी स्थिति के बारे में देखें कोट दीजी के बारे में, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जगह है कोट दीजी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसकी अवस्थिति है या स्थित था। ये खोजकर्ता के बाद में बात करें तो 1935 में एक इतिहासकार हैं पुरातत्वविद धुर्वे, इन्होंने इस स्थल को खोजा था। 1935 में धुर्वे नामक पुरातत्वविद हैं जिन्होंने कोट दीजी नामक स्थल को खोजा था। और यहाँ पर हमें क्या है, प्राक हड़प्पन या प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिलते हैं, यानी जो प्रारंभिक हड़प्पा का चरण है उसके बारे में अगर जानकारी मिलती है तो वो कौन सा स्थल है, कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी है। और एक स्थल और है आमरी, यहाँ से हमें प्रारंभिक हड़प्पा कालीन जो चरण है या जहाँ से हड़प्पा का उद्भव हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हमने देखा कोट दीजी के बारे में, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। 1935 में धुर्वे नामक पुरातत्वविद ने इसकी खोज की और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्राक हड़प्पन कालीन सामग्री यहाँ से हमें मिल रही है या प्राप्त हो रही है। अब अगर बात करें अगले स्थल की, तो अगला स्थल है हमारा रोपड़, रोपड़ के बारे में देखते हैं। स्थल का नाम है रोपड़, रोपड़ की स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो ये सतलज नदी के तट के ऊपर अभी का जो हमारा पंजाब है उसमें ये इसकी स्थिति है। और 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति, सतलज नदी के किनारे पंजाब प्रांत में, पंजाब प्रांत भारत में। और अगर खोजकर्ता की बात करें तो 1953-56 से लेकर के 56 तक यज्ञदत्त शर्मा ने इस स्थल की खोज की या इस स्थल के खोजकर्ता थे। अब यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में देखा जाए तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण सामग्री जो मिली है वो है कि एक कब्रिस्तान मिला है
और उस कब्रिस्तान में क्या है कि मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है, तो प्राप्तियों की बात करें तो यहां एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं हम रोपड़ के बारे में। स्थल का नाम है रोपड़। स्थिति की अगर बात करें तो वो सतलुज नदी के किनारे, अभी का जो हमारा पंजाब प्रांत है उसमें उसकी स्थिति है। और अगर प्राप्तियों की बात करें तो रोपड़ से हमें एक कब्रिस्तान मिला है, और उस कब्रिस्तान की खासियत ये है कि वहाँ पर मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल साथ साथ मिला है, यानी मनुष्य को और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा स्थल है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो स्थल है वो है हमारा सुरकोतड़ा। अब अगर सुरकोतड़ा की स्थिति के बारे में बात करें, ये कहाँ पर था, कहाँ स्थित था, तो ये भी जिस तरीके से धोलावीरा कच्छ में स्थित है उसी के आसपास ये भी गुजरात के कच्छ में स्थित है, गुजरात के कच्छ में इसकी स्थिति है। और अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी 1969 में, इसकी खोज की जाती है। और यहाँ से जो सामग्री मिल रही है वो एक तो क्या है कि यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से मिले हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बारी पूछा भी है एग्जाम में। और एक यहाँ से ये जो नगर है सुरकोतड़ा, ये बंदरगाह नगर था। तो दो चीज़ें यहाँ पर खास हैं, घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं और ये बंदरगाह नगर था। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, स्थल है सुरकोतड़ा, गुजरात के कच्छ जिले में इसकी स्थिति है। जेपी जोशी ने 1969 में इस स्थल को खोजा। और अगर यहाँ से जो चीज़ें मिल रही हैं वो दो चीज़ें हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्या हो रहा है, घोड़े के अस्थि पंजर मिल रहे हैं। दो स्थल हमने पहले देखे हैं, एक तो लोथल जहाँ घोड़े के बारे में जानकारी मिल रही है, और दूसरा है धोलावीरा। और तीसरा जो स्थल है जहाँ से अस्थि पंजर मिल रहे हैं वो है सुरकोतड़ा। और सुरकोतड़ा क्या है, अपने आप में एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, तो ये तो थी सुरकोतड़ा के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं अगला स्थल है, एक और महत्वपूर्ण स्थल है दायमाबाद। और दायमाबाद की बात करें तो इसकी स्थिति है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में, या ऐसे कह सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उसमें सबसे पश्चिमी का जो स्थल है, सबसे दक्षिण का जो स्थल है वो है। और महाराष्ट्र में इसकी स्थिति है गोदावरी नदी के आसपास, गोदावरी नदी के पास में। और इसके अगर यहाँ से जो सामग्री मिली है उसके बारे में अगर बात करें तो हमें यहाँ पर एक बैलगाड़ी, कांसे की बैलगाड़ी मिली है जिसको एक नग्न आकृति चला रही है, नग्न आकृति चला रही है, और उसमें दो बैल जुते हुए हैं।
ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि कांसे की जो जिसमें दो बैल जुते हुए हैं, नग्न आकृति चला रही है, ऐसी मूर्ति या कांसे की ऐसी आकृति कहाँ से मिली है? तो वो स्थल है दायमाबाद और ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो ये थे प्रमुख स्थल जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है या क्या कारण थे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, तो उस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। इतिहासकारों का अलग अलग मत है, कोई कहता है कि यहाँ पर भूकंप आया होगा, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ से इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर कोई महामारी फैली होगी जिसके कारण इसका पतन होता है, कोई कहता है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण यहाँ पर इस सभ्यता का विनाश हो गया। तो इन बिंदुओं को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और जो लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं या जिन लोगों ने अपने अपने आधार पर इस सभ्यता के पतन को समझने का प्रयास किया, उनको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। पतन के बारे में अगर देखें तो अलग अलग बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए नंबर एक के ऊपर देखें तो इस सभ्यता का कई लोग हैं जो बाढ़ को कारण मानते हैं, कुछ लोग हैं जो आर्यों का आक्रमण यानी आर्यों के आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का पतन हो जाता है, इस चीज़ को समझते हैं, कुछ लोग हैं जो या कुछ इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया, कुछ कहते हैं कि भूतापीय परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया, और कुछ कहते हैं कि सभ्यता का पतन महामारी के कारण हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बाढ़ के बारे में। इस संबंध में इतिहासकारों का मत है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जिसमें भयंकर वर्षा हुई और वर्षा के कारण जहां सिंधु सभ्यता बसी हुई थी उन स्थलों के ऊपर या उस जगह के ऊपर बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे इतिहासकार हैं जो ऐसा मानते हैं, जैसे मैके है, सर जॉन मार्शल है, एसआर राव है, तो वो क्या है इस चीज़ का समर्थन करते हैं। सर जॉन मार्शल एसआर राव और मैके ये ऐसे इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं जिनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हो गया। दूसरा बिंदु जो है आर्यों का आक्रमण। हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है या फिर 1500 ईसा पूर्व के बाद में होता क्या है कि भारत के ऊपर मध्य एशिया से आने वाली एक बाहरी शक्ति जिसको आर्यों के रूप में संबोधित किया गया है वो आते हैं, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके पास में घोड़े थे, अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, जिसके कारण हुआ क्या कि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो इस बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी बात करें तो मार्टिन व्हीलर है, गार्डन चाइल्ड और पीगट महोदय, ये ऐसे पुरातत्वविद हैं जिन्होंने कारण क्या माना है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, आर्यों का आक्रमण। तीसरा जो बिंदु है वो है जलवायु परिवर्तन, यानी कि किसी कारणवश यानी लंबे समय तक जैसे मान लीजिए वर्षा का नहीं होना या भयंकर गर्मी पड़ना, तो इस तरह का जब भी जलवायु परिवर्तन होता है तो उससे भी किसी सभ्यता का विनाश हो सकता है या उसका पतन हो सकता है, तो इस कारण को भी बहुत सारे इतिहासकारों ने पतन का कारण माना है। जिसके अंतर्गत अगर बात करें
तो आर्लस्टाइन हैं और अमलानंद घोष हैं, ये दो इतिहासकार हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को महत्वपूर्ण कारण माना है। एक और है भूतापीय परिवर्तन, जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि भूकंप आ गया या फिर भयंकर गर्मी का पड़ना, इस तरीके से इस सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। और ऐसे इतिहासकारों की अगर बात करें तो इसमें एस आर साहनी, एक इतिहासकार हैं जो इस मत का समर्थन करते हैं। और अंतिम जो कारण है वो है महामारी का, जिसके अंतर्गत महामारी में इतिहासकारों का अनुमान है कि जैसे मलेरिया जैसी बीमारी फैली हो और उसने भयंकर रूप से एक बड़े स्तर के ऊपर जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनको अपनी चपेट में ले लिया हो, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया हो। तो इसके अंतर्गत जो पुरातत्वविद जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं वो हैं यू आर कैनेडी, ठीक है। इन्होंने मलेरिया को इस सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो ये थे मोटे तौर पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन के कारण। और इससे पहले हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, सुरकोतड़ा है, धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है, कालीबंगा है, इनके बारे में हमने देखा, रोपड़ है आदि के बारे में हमने इनकी जो स्थिति है उसको समझा और जो इसके खोजकर्ता हैं उनको समझने का प्रयास किया। और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है जिसको देखा, जो एग्ज़ाम के व्यू से और हमारी समझ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगले बिंदु के साथ में मिलते हैं आगे की क्लास में।